friends, many, many wishes for the International Music Day. As we are aware, the power of music can have a very profound effect on our mind and soul. So, faster music can make you feel alert and concentrate better. Upbeat music can make you feel more optimistic and positive about life. A slower tempo can quieten your mind and relax your muscles. So, music is effective for relaxation and various kinds of management. क्या हम अपने जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं बिना म्यूजिक के, बिना संगीत के? बिल्कुल नहीं. बात हो इंडियन कल्चर की और इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की बात ना हो, जिसके सुर ताल, बंदिशें, तोड़ियां, ठुमरियां, बंदिशें पूरी दुनिया को थिरका रही हैं. और हमारे क्लासिकल सिंगर्स के और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तो कहना ही क्या, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को ग्लोबली बहुत बड़ी पहचान दी है. और फोक म्यूजिक, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे. सूफी संगीत, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे. या फिर वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, पॉप क्लासिकल, व्हाट नॉट, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, उसके भी क्या कहने, वो भी एक सुकून है, जुनून है. इफ यू मिस द ट्रेन आई एम ऑन, यू विल नो दैट आई एम गॉन 500 माइल्स. और बंदिशों के क्या कहने, बन बन ढूंढन जाऊं किता हूं चुप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढन जाऊं. भजन, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम. हिंदी फिल्म म्यूजिक, जिसने कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है. कौन से देश का कौन सा नागरिक नहीं है जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का दीवाना नहीं है. लता दीदी की आवाज, आशा दीदी की खनक, किशोरदार, रवि साहब, मुकेश जी की गायकी, हेमंत कुमार, मन्ना दे, क्या कहने उनकी गायकी की, जिन्होंने आज तक हमारी जिंदगी में अनेकों रंग भरे हैं और अनेकों सुर सजाए हैं. क्या हम अपनी जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में संगीत ना हो? संगीत हमें बहुत ही शक्ति देता है. मेरे लिए संगीत क्या है? मेरे लिए संगीत जुनून है और संगीत सुकून है. शायद मैं ये नहीं जानती कि मुझे कब और कैसे संगीत से इतना जुड़ाव हुआ, लेकिन मैं एक छोटा एनेक्डोट आपसे शेयर करना चाहूंगी. When I was very small, maybe 7-8 years old, my father got me a very small transistor from Calcutta, where he had gone for further studies, because he knew I am very fond of listening radio. So he got me a nice transistor. The purpose of the transistor was that I can hear 6 a.m. news on some radio station and write it down to read that news in the assembly of the school, क्योंकि I was one of the star assembly readers. तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत स्ट्रगल करती है, कभी लाइट नहीं आती, कभी कुछ होता है. मैंने उसका क्या उपयोग किया, रात को 10 बजे जब विविध भारती में पुराने हिंदी गाने, फिल्मी गाने बजते थे, मैं उसको बहुत ही लो वॉल्यूम पे बजा के अपना होमवर्क करती थी और सारे गाने सुनती थी, ध्यान से सुनती थी, और मुझे बहुत ही आनंद आता था. वॉल्यूम इतना धीरे रखती थी कि घर में किसी को पता ना चले कि कुछ म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि पढ़ो और कुछ नहीं. बट बड़े हुए म्यूजिक से नाता छूट गया, कम हो गया, लेकिन चलता रहा. फिर समय ने करवट ली, म्यूजिक जीवन में फिर एक बार लौटा. अब मैंने स्ट्रक्चरली म्यूजिक सीखना शुरू किया, क्लासिकल, बॉलीवुड. तो मुझे पता चला पहली बार कि म्यूजिक में कितनी लेयर्स हैं, कितनी गहराइयां हैं. कुछ साल तो क्या, एक जीवन भी कम है पूरी तरह से म्यूजिक सीखने के लिए.
दिस इज फॉर यू रैना लहरी जी, जिन्होंने मुझे इस एस्पेक्ट से अवगत कराया. एटर्नली ग्रेटफुल टू माय गुरु रैना जी. तो ये है म्यूजिक, और आज है म्यूजिक डे, और हम इस सुंदर सुरीले दिन को अगर लता दीदी को याद ना करें तो क्या कहना. देखिए, मैंने आज उनके जैसी बैंगलोर सिल्क की साड़ी पहनी है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट उनका बहुत ही फेवरेट कॉम्बिनेशन था, जो कि उन्होंने बहुत से कॉन्सर्ट्स में पहना है. मैंने तो अभी तक नहीं पहना, बट जरूर पहनूंगी. रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सभा, बागे वफा में रहे ना रहे हम. या शादी जुस्त जो जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने. या नाजिया हसन जी, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए. या उषा तो रंबा हो, जिनकी कांजीवरम साड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्दी और वो पावरफुल वॉइस, क्या कहने. आज भी कितने ही ऑडियंस, कितने ही जनरेशंस, मेरी मम्मी क्या, मैं क्या, मेरी बेटी क्या, हम सब उनके गीतों के दीवाने हैं. तो ये है म्यूजिक. म्यूजिक से दिन शुरू कीजिए, दोपहर में कुछ और म्यूजिक सुनिए, शाम का म्यूजिक कुछ और रात के हर पहर के गीत हैं अपने पास, हर ओकेजन के गीत हैं. शादी हो, मुंडन हो, मेहंदी हो, संगीत हो, कुछ ना हो तो कुछ नहीं, ऐसा ही आपका नाचने का मन करे तो गाना लगाइए और डांस कीजिए. ये है म्यूजिक की पावर. हर रंग का संगीत, हर संग का संगीत. म्यूजिक अपनाइए, अपनी जिंदगी को बहुत ही बहुत म्यूजिकल और खुशहाल बनाइए. थैंक यू.